ये प्लाट जो है उसमें 60 किसानों का कब्जा था। हर समाज की कब्जा रही सो पूरा 12 समाज के हैं हम ना 12 समाज वहाँ कब्जा करे रही ने। ऐसे बचपना रहे तब मोर पिताजी कब्जा करे रही से। हम भी उसमें कब्जा किए थे, हम पंच थे उसमें, 10 एकड़ जमीन हम कब्जा किए थे। 7 एकड़ तो मैं कब्जा कर रहे साहब। लोगों को कब्जा हटाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, लोग बहुत झगड़ा लड़ाई में तैयार हुए। ये सन 1987 की बात है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के एक छोटे से गांव मड़मड़ा में यही नजारा था। लगभग 100 एकड़ सरकारी जमीन पर गांव के छोटे बड़े 66 किसानों ने बेजा कब्जा कर रखा था और लंबे समय से वे वहां खेती करते आ रहे थे। धान, कोदो और सब्जी भाजी की खेती करने वाले इन किसानों पर उस समय बिजली गिर पड़ी जब उन्हें पता चला कि ये सारी जमीन उन्हें अब छोड़नी पड़ेगी। इस गांव की सामूहिक उन्नति के लिए दरअसल इस जमीन पर वन विभाग मड़मड़ा के तत्कालीन सरपंच काशीराम वर्मा का सहयोग लेकर बांस रोपण की कोशिश कर रहा था। तो खूटे साहब आके बताई सुना तो हम पंचायत में मीटिंग करीन, काशी भाई सरपंच रही सो समय, तो सब पंच मन के विचार आ गए। विचार आए के बाद गाँव वाले मन बुलवा के कहे गए इसके भाई में वृक्षारोपण होना है। लोगों को भी समझाया गया कि इससे हमको फायदा है, बाद में फायदा मिलेगा, अभी नुकसान तो दिख रहा है। सरपंच काशीराम वर्मा और वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों कर्मचारियों ने पंचायत की बैठकों में बेजा कब्जे हटाने के लिए कई बार फैसले का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोगों के अलावा कोई किसी की बात सुनने तैयार ही नहीं था। अब आज हम तोर सक बात भी बात होता तो पुलिस वाले लाट के डटावा था। पुलिस वाले आवत तक का करी कोखरो बाल बचल पोस दी का। अब विचार कर लीजिए। हां ठीक बोले करते हैं, कितना न्याय बोले सब अपन बाबा का नहीं खोलता, कितना न्याय बोले सकते सरपंच है, कितना न्याय। आखिरकार वन विभाग के लोगों और काशीराम वर्मा ने कुछ सहयोगियों की मदद से जमीन साफ करवा कर झाड़ झंकाड़ हटवाना शुरू किया। और पहले तो बहुत झगड़ा भी हुआ था। कुछ सहयोगियों की मदद से वन विभाग ने स्टेकिंग भी शुरू की। इधर काशीराम वर्मा और उनके सहयोगी बांस के पौधे रोपते और उधर बेजा कब्जे वाले लोग उन्हें बेदर्दी से उखाड़ते थे। कई कई बार पंचायत बैठी, लोगों को समझाया गया कि ये बांस प्लांटेशन आगे चलकर इस गांव की समृद्धि में ही उपयोगी होगा। क्योंकि जमीन सरकारी थी और लोग भी धीरे धीरे जान चुके थे कि उन्हें कब्जा छोड़ना ही होगा। सारे गांव को बांस प्लांटेशन में सहयोग करते देख आखिरकार बेजा कब्जाधारी भी टूट ही गए और सहयोग करने लगे। वन विभाग ने अपने स्तर पर लगातार 5 साल तक काम किया। और फिर बांसों से भरा ये जंगल ग्राम पंचायत को सौंप दिया कि अब इसकी देखरेख, इसका उत्पादन और उससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं वे खुद करें। 5 साल तक के फॉरेस्ट की कस्टडी में तैयार हुआ झाड़। उसके बाद 5 साल के बाद पंचायत को हैंड ओवर किए। पंचायत वाले भी इसमें थाला वगैरह दिलाए बांस के पौधों में, और थाला दिला करके फिर उसको तैयार किए। वन विभाग से बांस वन का स्वतंत्र दायित्व और अधिकार मिलते ही नई समस्याएं भी शुरू हुई। इस वन की देखरेख के लिए चौकीदार की जरूरत थी और चौकीदार रखे जाने पर उसके वेतन की भी। फिर पंचायत बैठी। इसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे किया जाए आप लोग बताइए। बांस के देखभाल पर रखवाल लगवाल लगी पंचायत की ओर से, मतलब लागू किया जाए जो भी मतलब राशि है उसको, मतलब चौकीदार को दिया जाए। वन विभाग का जो दिया गया प्लांटेशन है इसके द्वारा जो भी आमदनी प्राप्त होगा
वो आमदनी के द्वारा एक चौकीदार रखा जाएगा और सब लोग उसमें सहभागिता के काम करेंगे। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हमारे प्लांट में कोई प्रकार के बांस काट के चोरी करके ले जाही या करी लोमक निकाल के ले जाही ओखा लिए हम दंड के भागी बनाबो आदमी ला 200 रुपए या 501 रुपए कि हम ओखा दंड करबो तभी हमार प्लांट बचेगा। ये मैं तुम्हार मन के सलाह होवे नहीं का बताओ भाई। अब एक चौकीदार है 100 एकड़ के रखवारी नहीं कर सके ते मां सब तुम सहयोग करेल पड़ी रे भाई, ए मान के चलिया। और सारी पंचायत ने एक मत चौकीदार रखे जाने और उसका वेतन पंचायत द्वारा दिए जाने की बात पर मोहर लगा दी। चौकीदार के वेतन के लिए तय किया गया कि उचित समय पर बांस वन से बांस कटवा कर बाजार में बेचा जाए और बेचने की सारी व्यवस्था पंचायत की देखरेख में सुनिश्चित हो, इसका लेखा जोखा भी रखा जाए। ये छोटी सी देखने वाली प्रक्रिया दरअसल उस बड़े बदलाव की शुरुआत थी जहां एक छोटा सा गांव समृद्ध और आत्मनिर्भर हुआ। पंचायत ने सर्वसम्मति से तय किया कि प्लांटेशन को और बढ़ाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा बांस मिल सके और पंचायत की आय बढ़ सके। अब मड़मड़ा का हर आदमी सहयोग के लिए आगे आने लगा। इस बांस वन की मवेशियों से सुरक्षा के लिए वन के चारों ओर पशु अवरोधक नाली बनाई गई। आग से सुरक्षा के लिए हर साल फायर लाइन बनाई जाती है। बांस रोपणी पर नियमित रूप से मिट्टी चढ़ाई जाती है जिससे नए बांस पौधे पनप सकें। पानी रोकने के लिए अर्धचंद्राकार गड्ढे खोदे जाते हैं और खराब बांस की नियमित कटाई छटाई की जाती है। ये सभी काम मड़मड़ा गांव के सभी रहवासी मिलजुल कर करते हैं और उन्हें इन सभी की मजदूरी पंचायत से प्राप्त होती है। वो गांव वाले पूरे उसमें सहायता दिए, इस कारण फायदा हो रहा है साहब। बांस की कटाई के लिए बांस कटाई की विशेषज्ञ बैगा जाति के लोगों को बुलाया जाता है और उन्हें कटाई के पारिश्रमिक के बतौर 3 रुपए प्रति बांस भुगतान किया जाता है। 2-4 बार तो गाँव वाले काटे, इनसे थोड़ा नुकसान पड़ा, इसलिए अब बैगा लोगों से कटवाते हैं। कटाई के दौरान उनके आवास, भोजन, पानी की व्यवस्था भी मड़मड़ा पंचायत की तरफ से ही की जाती है। बांस मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है। बांस बिना काम चल भी नहीं करे। खेती में सब्जी भाजी की बेलें चढ़ाने के काम से लेकर फेंसिंग बनाने में बांस उपयोगी है। इसके अलावा घरेलू उपयोग की सैकड़ों वस्तुएं बहुत पुराने समय से ही मनुष्य के जीवन में बांस की महत्वपूर्ण उपयोगिता सिद्ध करती है। कई जातियों के व्यवसाय और उनका जीवन बांस के इन उत्पादों के निर्माण पर पूरी तरह आश्रित है। झोपड़ी से लेकर बहुमंजिला इमारतों के काम में, छोटे छोटे गांव से लेकर महानगरों तक बांस की अनंत उपयोगिता है। मजबूती, टिकाऊपन और अपनी प्राकृतिक लोच के कारण बांस का फर्नीचर बेहद महंगे और आलीशान उत्पादों में से एक है। घर सजाने के सैकड़ों कलात्मक उत्पाद बांस को एक मूल्यवान सामग्री में बदल देते हैं। मड़मड़ा के हर आदमी की मेहनत और अपने गांव के लिए संकल्प की मिलीजुली ताकत ने मड़मड़ा जैसे बेनाम गांव को बांस उत्पादक के रूप में बड़ी पहचान दिला दी है। मड़मड़ा में पंचायत बैठक के दौरान ही बांस कटाई का सामूहिक निर्णय लिया जाता है। बैगा आदिवासी बांस कटाई का काम करते हैं और पंचायत सचिव के अलावा पंच और कई ग्रामीण इसकी निगरानी के लिए अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं। काट के निकालना जैसे ना कोई इसमें भी निकला है। सुनो सुनो मजदूर किसान भाई, मैं बांस ले जाना है, प्लांट में चला गए। बांस कटाई की सूचना सारे गांव वालों को दी जाती है और इसके बाद सीधे बिक्री शुरू होती है। बांस कटाई के बाद उसे बेचने के लिए भी पंचायत ही फैसले करती है। गरीब, दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए बांस का दाम न्यूनतम रखा जाता है।
सामान्य लोगों के लिए औसत दरें तय होती हैं और दूर दराज के बांस व्यापारियों के लिए उच्चतम दरें निर्धारित की जाती हैं। गांव वालों को देते हैं कम भाव से, बाहर के वाले को देते हैं 2 रुपये ज्यादा में देते हैं और भेड़ वाले को 70-50-75 में देते हैं। दूर दूर तक यहाँ से बांस परिचालित होता है और पंचायत उसके लिए वन विभाग से बाकायदा टीपी लेकर अपना व्यापार सुनिश्चित करती है। वो हमारे बांस के पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गए, एक कारण से हमारे मन के बांस है, मुंगेली है, बिलासपुर है, ये तरफ राजनांदगांव है, रायपुर तक के अपन जिन बीच के व्यापारी हैं, जिसे बाहर ट्रक में ले जाते हैं, वो खाली अपन टीपी बनवा देते हैं। बांस के बड़े व्यापारी बांस परिवहन के लिए अपने ट्रक लेकर आते हैं और ढुलाई में भी मड़मड़ा के ग्रामीण अपना सहयोग देते हैं। रोजाना बिक्री से प्राप्त राशि का सारा लेखा जोखा पंचायत सचिव रखता है और उसे हर रोज पंचों द्वारा सामूहिक रूप से मड़मड़ा पंचायत के बैंक खाते में जमा कराया जाता है। भेड़ वालों से बिक्री राशि प्राप्त है 13,000 रुपया। कोई यहाँ नहीं खाते, यह 5 पंचों के सामने में यहाँ बैंक में जमा कर देते हैं, 5 पंचों के सामने में उसको निकाला जाता है, जैसे जैसे काम आता है वैसे वैसे। बांस उत्पादन और बिक्री की नियमित आय से मड़मड़ा ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर हो गई है। आज मड़मड़ा पंचायत के पास बैंक में अपनी स्वयं की 6 लाख रुपए से ऊपर की राशि उपलब्ध है। हमारा पंचायत को तिजोरी है, तो प्लाट के बांस के पैसा है ना, जो मड़मड़ा ब्लॉक के पूरा हुआ तिजोरी है। दायित्व, अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता न सिर्फ अकेले आदमी को परिपक्व और समर्थ करती है बल्कि छोटे छोटे सामाजिक समूहों को भी बदल देती है कि वे सभ्य और समर्थ होने का दावा कर सकें। और सचमुच मड़मड़ा कुछ इसी तरह से बदला है। ये पंचायत अब किसी शासकीय सहायता या अनुदान की बात नहीं जोखती। बहुत अंतर है, कैसे, जैसे कि अब हम लोग जैसे मतलब शासन के पास मतलब मांग करते तो हमको टाइम लगता, अब अपने पास जो बांस का पैसा है हमको टाइम लगता, कभी भी हम उसको बेच सकते हैं कटाई करवा कर। ग्रामीण विकास के सामुदायिक कामों के फैसले पंचायत लेती है और बिना देरी किए उन्हें कार्य रूप में बदल देती है। बांस के पैसे से तो पूरा तय करवाते हैं कि ये काम करना है, अगर पंचायत में हम पास करते हैं। बांस बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग मड़मड़ा में हर जगह दिखाई देता है। फायदा जो है अब हमको देखने लगा, नल गो सोकोड़ा आपकी जगह जगह में पानी की व्यवस्था बनी से, पचरी बनी से, नदियां पचरी बनी से, वो मेरे देवता है हमारे गाँव में बरम बात यहाँ जात ले, ये सुजिया हो है, रोड बनी हवा नंदिया निकल गई है। 1.5 किलोमीटर की मुरम सड़क हो या गांव के मुख्य मार्ग पर सीसी रोड, मड़मड़ा पंचायत के ठोस कामों का सबूत ही तो है ये सब। अब वैसे चिक्कल मिक्कल रही से अब सुधार आज चले जाते हैं, पहले कीचड़ रही से गली मन में, अब गली बढ़िया हो गए साहब। गांव भर में पानी निकासी के लिए पक्की नालियां, पक्के हैंडपंप, ट्यूबवेल और नदी पर पचरी निर्माण के अलावा गांव के तालाब पर पचरियों का निर्माण, ये सब भी इस पंचायत में आत्मनिर्भरता के सबूत हैं। अब सीसी बने हैं, पचरी बने हैं, स्कूल बना थे, बोरिंग कोड़वा थे, टेमर लगावा थे, इहेज के पैसा इहेम लग गया थे, बाहर ले नहीं आया पैसा। बांस वन की निगरानी के लिए रखे गए चौकीदार का नियमित वेतन और इसी बांस बिक्री की प्राप्त राशि से चल रही पाठशाला और इसके शिक्षक का वेतन मड़मड़ा गांव को संयुक्त वन प्रबंधन के मॉडल के रूप में स्थापित करते हैं। ये प्लाट की इनकम से हम अपने स्कूल में, हाई स्कूल में मास्टर रखे गए हैं और इसी के माध्यम से आज 5 साल, 7 साल, 10 साल हो गए आज चला रहे हैं स्कूल। यहाँ के लड़का मन के फायदा हुआ थे, बाहर जात रही थे ना, भी मत फायदा। गरीबों के लिए जैसे पढ़े अच्छा फर्स्ट क्लास नंबर में, उनको भी मदद मिलते हैं इनसे। मड़मड़ा पंचायत गांव के हर सामाजिक काम में नियमित आर्थिक सहयोग देती है। देवी देवता तीर्थ स्थान में भी पैसा के काम होते। ग्रामीण युवाओं के शारीरिक मानसिक विकास के लिए
वन के भीतर ही इस पंचायत ने एक सामुदायिक भवन भी बनवाया है, जिसे एक व्यायामशाला के रूप में स्थापित करने की योजना है। इनके पैसे से साहब हैंडपंप बनवाना और गली मरम्मत कराना, अब कितना बताया जाए साहब, हर काम में यहाँ के पैसा काम में आता है। लेकिन हमला अब अच्छा लगा थे, वो टाइम छोड़ा ना तो गुस्सा लगा उखर। आमदनी को देख करके सबका मन में ये होने लगा सर कि इससे हमको बहुत फायदा है। ये बस्ती सहारा से लोग माने तैयार हो गए, इस कारण फायदा है इसमें। ऐसे में व्यक्तिगत स्वारत होते, इससे अब गांव भर मिल के स्वारत होते। और मैं कहा था तो वो माना थे, वो कहा था तो मैं माना था, एकर से सब जुड़े हुए, सब तैयार किए हैं। आनंद ही आनंद लगता है साहब। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 55% वन क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी 7,887 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों पर है। इन सभी समितियों के लिए मड़मड़ा ये साबित करता है कि वनों की सुरक्षा और विकास सिर्फ चौकीदारों के भरोसे न छोड़ी जाए। अगर सभी समिति सदस्य सहकार के भाव से वनों की सुरक्षा में जुड़ जाएं, तो न सिर्फ ईंधन और पशु चराई जैसी गाँव की वन आधारित आवश्यकताएं पूरी होती हैं, बल्कि वो गांव आर्थिक रूप से स्वतंत्र और समृद्ध होकर अपनी विशिष्ट पहचान बना सकता है। मड़मड़ा ने सारे छत्तीसगढ़ में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। पुराने वनों की सुरक्षा और नए वनों का अस्तित्व में आना भी इसी से संभव है। मड़मड़ा ने संयुक्त वन प्रबंधन की कल्पना को सचमुच साकार रूप दिया है, जिसका अनुसरण किया जा सकता है। मड़मड़ा के लोग आज इस प्लांटेशन के रखरखाव व सुरक्षा के लिए हरदम तैयार रहते हैं। दिनेश जो रात के दिखा दी हमारे प्लाट ल, वो तो मैं शायद को नहीं, वैसे डिप्टी रेंजर रेंजर नहीं देखे मैं, अतका पराफा सिपाही तेरे गांव जंगल में देखे मैं, ऐसा वो लेकर रखा था। तार एक जगह तो लेकर राख थे एक जगह, सवेरे उठते अपन बाँस प्लाट जाते, उखर बाद आए के बाद ये बाँस ये बाँस सब पूरा, एक बाँस चोरी हो जाए तो उसका जान ले लेता है, इतना जिद्द से वो रखवारी करता है वो। ये में ना हमारे पूरा बस्तिक सहयोग है, राखत है एक झर रखवार, चौकीदार एक झन है, लेकिन बस्ती के हर आदमी ला हर एक आदमी डरत है। इला मैं देख लू प्लाट अंदर तो मैं इला डर रहा गया, ये मोला देख ली तो ये मोला डर रहा गया, लिकड़ी नहीं लाने एक ठन बिना इजाजत के। इस बांस वन में कई बार आग लगने जैसी दुर्घटना भी हुई, लेकिन हर ग्रामवासी ने उसे अपने घर की आग समझ कर बुझाया। बांस वन में मवेशियों के घुस जाने पर उन्हें कांजी हाउस में बंद किया, और चाहे वो किसी के भी मवेशी हों, सार्वजनिक रूप से स्वेच्छापूर्वक जुर्माना दिया। इस साल से 100 रुपया प्रति मवेशी के हिसाब से रखे गए हैं, अब मवेशी छोड़ना बहुत बंद हो गए हैं। आज मड़मड़ा के लोग अपने बांस वन के विस्तार के बारे में सोचते हैं कि इसे और अधिक उत्पादक कैसे बनाया जाए। करीब 5-7 हजार पौधा अभी नया लगा है, जो अभी इसी वर्ष लगा है। बांस वन के आसपास और खाली जगह में यूकेलिप्टस, आंवला और बहेड़ा के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। खाली जमीन जो पड़ा है, जो झाड़ सूख गया है, उसको निकाल करके हम ऐसे सीधे वाले झाड़, जो कहीं ज़्यादा फैलाव वाले ना हो, ऐसा झाड़ वहाँ पर लगाने के विचार है, सोच है। बांस और लकड़ी दोनों ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के जो प्लांटेशंस हम लोगों ने किए थे, इनका मूल उद्देश्य ये था लोगों को अपनी ज़रूरत के लिए बाहर ना जाना पड़े, इससे उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्वाभाविक तौर पर सुधार होता है। पंचायतों का ये दायित्व था कि उनको प्लांटेशंस को बचाना, उनका रखरखाव करना। मड़मड़ा पंचायत आज मेरे विचार में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक उदाहरण है। वहाँ की पंचायत उस अपने बेम्बू प्लांटेशन, जो बांस का प्लांटेशन उस समय हुआ है, उसमें से इतने पैसे कमा रही है कि उस पैसे से स्थानीय लोगों के लिए सड़क निर्माण, कुआं निर्माण, इस तरह के विकास कार्य या उनका रखरखाव करती हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ को पूरे राज्य में फैलाने का, ताकि लोग अपनी अपनी जरूरतें जो है अपने आप पूरी करें। 1987 में मड़मड़ा में जहां कुछ लोग अपना बेजा कब्जा छोड़कर इस प्लांटेशन के लिए तैयार ही नहीं थे, वहीं आज इसे अपना मानकर इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं।
ये पौधा अपने हाथ से हम लोग तैयार किए हैं। खुद के हम वहाँ काम करें, हम झाड़ लगाए हैं। इस प्रकार हम लोग देखभाल करते हुए आज तक जैसे तैयार करके रखे हैं, उसी प्रकार के हर समय हरा भरा वो रहना चाहिए। हमारा आत्मा लगता है, हमारे गांव वाले के लगता है साहब, पूरे गांव वाले के लगता है। अनाथ हो जा बास कर जाए। हाँ। आपको वो हम प्लाट नहीं उखाने देंगे। गांव के लोग एक एक झोला में पत्थर लेकर के और दौड़ जाएंगे, एक एक पत्थर लगाते जाएंगे अपना झोला पत्थर, जब तक खत्म नहीं होगा उसको लगाते जाएंगे। वो जब कटिंग करने आएगा वो अपने आप भाग जाएगा। ऐसे आप आएंगे उजाड़ने के लिए, तो आप जैसे हमको ईंट से जवाब दे रहे हैं, तो आपको हम पत्थर से जवाब देंगे। हाँ, प्लान कैसे उखाड़ दो, प्लान नहीं उखाड़ेंगे हम, प्लान नहीं उखाड़ेंगे हम। मड़मड़ा गांव की कहानी सिर्फ वन प्रबंधन समिति सदस्यों द्वारा बांस प्लांटेशन की सुरक्षा की कहानी ही नहीं है, बल्कि ये कहानी संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से समाज के छोटे छोटे समूहों में धीरे धीरे आने वाले उस बदलाव की है, जहां एक सामान्य से आदमी की सारी निजी इच्छाएं व स्वार्थ वन संपदा की सुरक्षा एवं विकास के प्रति धीरे धीरे एक सामूहिक भावना में बदलते हैं, और वे यहां तक बदलते हैं कि उससे जुड़ा हर मनुष्य उसके साथ अपने आप को एक सार कर लेता है। समय बदलता है और आखिरकार मनुष्य भी बदलता ही है।